इसलिए हमारी आवाज सुनकर रुक गए। कमाल की बात, पूरी तरह से इंसान ना होते हुए भी तुम इंसानों की भाषा समझते हो। बोलो, इसे मारने से कुछ नहीं होगा। प्लीज इसे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। बोलो नहीं। We go inform us. Quickly, quickly. Hello? डरना मत विनायक, अच्छे से खेलना वरना ये हम सबको मार देगा। विनायक कम ऑन। साथ बल्लेबाज को धराशायी करने के लिए टीम के कप्तान ने मौका दिया है विश्व के सबसे खतरनाक बाउंसर डालने वाले इस दुनिया के सबसे महान बॉलर कटारा को। और इसी के साथ रनअप लेने के लिए कटारा तैयार, दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर जिसकी बाउंसर का सामना आज तक कोई नहीं कर पाया, तो क्या ये बच्चा उसके सामने टिक पाएगा? ये कटारा की खतरनाक बाउंसर, और इससे पहले कि बैट्समैन कुछ समझ पाए बॉल सीधा उनके हेलमेट पर, और इसी के साथ बैट्समैन विनायक गंभीर रूप से घायल।
और देखिए ना सिर्फ अपने फैंस की बल्कि सारी दुनिया की तालियों को बटोरते हुए कटारा कितने खुश नजर आ रहे हैं। कटारा की बॉलिंग के आगे एक और महान बैट्समैन धराशायी हो गया, लेट गया, क्योंकि सबसे महान बॉलर है कटारा। जोरदार तालियां। और सुना आपने, कटारा की तारीफ में सिर्फ उसके फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफें कर रहे हैं, तालियां ठोक रहे हैं, क्योंकि कटारा जैसा बॉलर ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही होगा। आइए जानते हैं कौन होगा कटारा का अगला शिकार। गोलू, जानता है आज भी मेरे जैसी स्लिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनके जैसे बच्चे मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। मुझे कहते थे मैं बहुत भद्दा दिखता हूँ, मैं अजीब दिखता हूँ। मेरी शक्ल अजीब और भद्दी? भद्दा और अजीब दिखता हूँ मैं? बोलूं? आज मैं तुझे बताता। जानता है इन सब बच्चों को मैं तुझसे क्यों किडनैप कराता रहा? जब से मैंने होश संभाला, मेरी रोम रोम में, मेरी रग रग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, क्रिकेट, 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 क्रिकेट। इस भेजे में कुछ और घुसता ही नहीं है। मैं पूरे पूरे दिन उनको वहां मैदान में क्रिकेट खेलते देखता। मुझे भी एक बॉल करानी है। देखो मैं स्पोर्ट ड्रेस भी पहन गया, जूते भी बढ़िया लेके आया हम। अच्छा फ्रेंड्स, सब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब इन्हें बॉलिंग करनी है, बॉलिंग। हाँ बॉलिंग कराऊंगा। अबे शक्ल देखी है अपनी, और जैसी तेरी शक्ल है ना वैसे हमें बॉलिंग नहीं चाहिए। तड़ी हुई। और वैसे कौन सी बॉलिंग करेगा तू, दुबली करेगा या बाउंसर करेगा? और वैसे भी या बाउंसर सिर्फ मैं करता हूँ, और बॉलिंग के लिए ना ट्रेनिंग की जरूरत होती है, समझा? चल अब निकल, चलो चलो, एक चांस दो ना। करेगा, दे दे चांस इसे। थैंक यू। ले पास करियो, तो ऐसी बॉलिंग करूंगा सब देखते रह जाएंगे। कहाँ गए सब? मुझे भी बॉलिंग करनी थी, कटारा को भी बॉलिंग करनी थी। अगर कटारा को बॉलिंग नहीं करने देंगे तो कोई भी बॉलिंग नहीं करेगा। अब कोई नहीं भागेगा, अब यहां से कोई नहीं भागेगा। इन सबको कटारा की खतरनाक बॉलिंग का सामना करना होगा, क्योंकि यहां से भागने का मतलब तुम सब अच्छी तरह जानते हो ना। गोलू, तुम्हारे पाव में क्या हुआ? भाई के लिए बहन का प्यार। गोलू ने काम कर दिया, छोड़ ला मेरी बैग। काम हो गया, बस एक नहीं। छोटा छोटा नहीं कर, गोलू नहीं कर। और उसके बाद नहीं। और उसके बाद बहन की कसम नहीं, मैं उसे छोड़ दूँ। नहीं करे, छोड़ दूँगा उसे। कटारा, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। गोलू मैंने कहा था ना, इसका भरोसा मत करना। Oh!
जानवर भी कितने इनोसेंट होते हो ना। हाँ एक काम कर, ये देख गोलू। गोलू कर कर गोलू गोलू कर कटारा, पक्ष दे मेरे भाई को। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो ये सही है कि गलत है। प्लीज उसके इमोशन से मत खेल, मत खेल उसके इमोशन। बख्श दूं, लेकिन मेरे अंदर तो सिर्फ आग और नफरत है, और इस आग और नफरत से मैं बदला लूंगा। मैं बनाऊंगा कटारा 11, और वो होगी इस दुनिया की सबसे खतरनाक टीम जिसे कोई नहीं हरा सकता। वो मेरी मजाक उड़ाते थे ना, मैं भद्दा दिखता, अजीब दिखता। अब मैं बनाऊंगा ये टीम और इसे कोई नहीं हरा पाएगा। इस पॉइंट के आगे तो खून के निशान है ही नहीं, अब क्या करेंगे? वो देखो आबा। अरे इसकी तो ये क्या, नहीं नहीं, जंगल के बीच में बैट के शेप का झाड़ है। मतलब क्या है? इसमें से क्या रेडीमेड क्रिकेटर लोग पैदा होके निकलते क्या डायरेक्ट? मतलब कहानी क्रिकेट बैट्समैन से शुरू हुई थी और क्रिकेट बैट के झाड़ पे आके खत्म होगी। पहले शहर से बच्चे गायब होते हैं, उसके बाद इतने घने जंगल में ये बैट का पेड़ दिखता है। कहानी खत्म नहीं हुई है तेज, कहानी तो अब शुरू हुई है। इनफैक्ट एक और कनेक्शन है कि इस पॉइंट के आगे खून के निशान है ही नहीं। हमें उस पेड़ के पास जाके देखना होगा। मासूम बच्चों को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये टाइम अपुन भी इधर ही है। यार हेलो, तो क्या है जल्दी से अपने आप को हम लोग के हवाले करने का, हम लोग उधर लेके जाने का, बताने का कौन सा लोकेशन क्या है और हम लोग की बात मान जाने का, समझा? सिंपल है गोलू, हम जानते हैं तुम हमारी सभी बातें समझ सकते हो। गोलू कंट्रोल योरसेल्फ। गोलू हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, प्लीज शांत रहो, काम डाउन। गोलू देखो हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें गोली चला दें। एक और नया बैट्समैन और कटारा की एक और बॉल और ये आउट। यस, और अब देखना ये होगा कि कटारा अपना अगला शिकार किसे बनाते हैं। गोलू आ गए तुम, क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और मेरा शिकार कहाँ है? शिकार गोलू बच्चा नहीं लाएगा। गोलू बच्चा नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। सुना आप लोगों ने, गोलू बच्चा नहीं लाएगा, गोलू बच्चा लाएगा नहीं लाएगा। गोलू बच्चा नहीं नहीं लाएगा। कमाल इंसान आधा और इमोशन पूरा, बहुत ना इंसाफी है रे। इंसानी जुबान तो बोलना सीख गया,
लेकिन इंसानी खुराफात कहां से लाएगा रे गोलू, कहां से लाएगा? तेरे माँ बाप भी ऐसे ही मना कर रहे थे। जब मैं उनके पास गया मैंने कहा गोलू को मुझे दे दो, बोले नहीं मैं और मेरी बीवी गोलू के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कहा सीरियसली? और उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया। कटारा इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, देखा गोलू मैंने कहा था ना इंसान अच्छा नहीं है। जानता है, मैंने तुझे ये सब क्यों बताया? ताकि तू उस दुख को महसूस कर सके जब तेरी बहन तेरे सामने दम तोड़ेगी। नहीं 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 नहीं, और यही तेरे आधा इंसान होने की सजा है। दबाओ दबाओ। नहीं 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 नहीं, तो अपनी जगह पर एक जानवर की तरह मेरे आगे सर झुका और नीचे। तू जानना चाहता है ना एक इंसान कितना कमीना हो सकता है? तो अब देख देख मेरे कमीनेपन की हद। कटारा छोड़ दे मेरे मासूम भाई को, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मुझे मार दे। ओ, एक बहन के अपने भाई के लिए आखिरी प्यार भरे शब्द जो तू कभी नहीं समझ पाएगा कटारा। मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे क्या लगा कि गोलू यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आया होगा? गोलू ऐसा नहीं, ऐसे खेलते हैं। अगर तुम हमारा साथ दो ना, हम तुम्हारी बहन को बचा सकते हैं। हाँ गोलू, हमारे पास एक प्लान है। क्या थकेली स्क्रिप्ट लिखा है यार तुमने? तेरे को अक्कल नहीं है क्या स्क्रिप्ट भी पिया? चले तेरे चाले बंद कर, अभी वट नहीं सकता तू, समझा क्या? बचाओ विनायक को, अंदर लेकर जाओ जल्दी। इधर खड़े खड़े ऊपर ऊपर। अरे कवर दे कवर, फुल सीधा खड़े रहे, सीधा सीधा स्ट्रेट। इस जानवर को मार के अपने हाथ गंदे मत करो गोलू। अरे मेरा भाई तेरी बहन भी बोल रही है, उसकी बात तो सुन ले। थैंक्स गोलू, तुमने आधा इंसान होते हुए भी हम इंसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। अब हम सुपर कॉप्स का वादा है तुमसे कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को एक अच्छी जिंदगी दिलवाएंगे हम। वी प्रॉमिस। विनायक
कवि, इसके कोच से वादा किया था मैंने कि विनिंग शॉट तो मेरा विनायक ही मारेगा। क्यों? मैच की आखिरी गेंद और 6 रन की चुनौती, सारी टीम विनायक की तरफ देख रही है। विनायक, 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 विनायक। Great job. सर, मैंने आपसे कहा था ना कि विनिंग शॉट तो मेरा विनायक ही मारेगा। बच्चों, मैं तुम सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। टैलेंट कभी किसी अच्छी या बुरी शक्ल का मोहताज नहीं होता, हुनर सब में होता है। बस उसे एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है। जिस दिन सही दिशा मिल जाती है ना, शक्ल अपने आप पहचान बन जाती है। क्यों?